कभी दलित की पिटाई, कभी मुस्लिम की पिटाई। अरे हम कैसे भाई भाई, हम आपस में है भाई भाई, तुम हमारे हो कसाई। अगर हमने धर्म में भेदभाव पहले किया होता तो फिर आज हम दावेदार होते, प्रधानमंत्री तो हम बनेंगे। देश का संविधान बचेगा, देश की जनता बचेगी, तो सिर्फ जय भीम के नारे के साथ बचेगी, कोई रास्ता नहीं दूसरा। वोट बैंक की राजनीति छोड़ दीजिए, सामाजिक बैंक की राजनीति शुरू कर दीजिए। ये देश चलेगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के काम के साथ चलेगा। दोस्तों, जंग में मुरव्वत कैसी है? एक जंग, सामाजिक जंग, नजरिए की जंग की बात हो रही है यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ, सब बोल रहे हैं, एक जंग की बात चल रही है। तो दोस्तों, जंग में मुरव्वत कैसी है? आज जो भाई मुकाबले, तो हैरत कैसी? और तुमने की है सुराख घर की दीवार में, आपस में बटकर, इंतजार पैदा करके, एक दूसरे दूर होकर, तुमने की है सुराख घर की दीवार में, अब जो गैर झांक रहा है, शिकायत कैसी? ये गैर को सर पे बिठाने वाला कौन है? कौन पटा था इन जातों में? कौन पटा था धर्म के मामले में? कौन हुआ धर्म की राजनीति का शिकार? राजनीति धर्म की बन गई और हम सब बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं। मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमान ने कब किसी को अपना नेता माना सिवाय गैर मुस्लिम के? आप इतिहास देखिए उठा के, हमारा नेता, सियासी नेता, राजनीतिक नेता, हमने कभी किसी को नहीं माना, सिर्फ अपने गैर मुस्लिम को माना, नेता अपना बनाया, और फिर भी हम गद्दार हैं, फिर भी भेदभाव है हमारे नाम के ऊपर। वीपी सिंह हमारे नेता, पासवान हमारे नेता, मुलायम सिंह हमारे नेता, मायावती हमारी नेता, शरद यादव हमारे नेता, उदित राज हमारे नेता, चंद्रशेखर हमारे नेता, हमने सबको नेता माना, ऊपर तक पहुंचा दिया, और हम वहीं खड़े हैं, आप भी नफरत के शिकार हैं। क्यों भाई, क्या बिगाड़ा हमने? अगर हमने धर्म की राजनीति की होती, अगर हमने धर्म में भेदभाव पैदा किया होता, तो फिर आज हम दावेदार होते, प्रधानमंत्री तो हम बनेंगे। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने ये कहा कि देश एक रहे, भाईचारा रहे, भाईचारा बना रहे, और हम सब मिलजुल के बैठे रहे। मैं ओबीसी कैडर से आता हूँ, ओबीसी समाज से आता हूँ, ओबीसी का मतलब यह है सारे ओबीसी समाज। ओबीसी नाम मुस्लिम को तो है नहीं, हिंदू का नाम तो है नहीं ओबीसी, हम तो पिछड़े हुए लोग हैं। 64 जाते दिल्ली दिल्ली में है, 292 जाते पूरे देश में है। अगर हम ही सब एक होकर बैठ जाए तो इस शोक की जरूरत ही ना रहे। यूपी में कुछ और राजनीति हमारी, मध्य प्रदेश में कुछ और राजनीति है, राजस्थान में कुछ और राजनीति है। मेरे दोस्त सर जमील साहब, जो मेरे यहाँ फेडरेशन मुस्लिम ऑर्गेनाइज में हमारे साथ भी रहे और मेरे साथ पूरे देश का दौरा भी किया, हजारों लोगों के मजमू को खिताब किया हमने, और सब जगह जाके एक ही पैगाम दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग जातियाँ नहीं है। हिंदू शब्द आया कहाँ से? ये तो आरएसएस वालों की देन है। हमारी कब है? इस देश की कब है? हम तो हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, आपने उसको बांट दिया, आतंकवाद बना दिया। ये नफरत किस लिए? अपनी राजनीति के लिए, और इसका शिकार सब हो गए। माफ करना, रखियो खुदा मुझे तरह से नवाई से माफ। आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। हमने जिन जिन को नेता बनाया, हमारे साथ कोई नहीं आया, अपने समय पर सबने अपनी राजनीति शुरू कर दी, इसलिए भेदभाव पैदा हुआ, इसलिए ये सब चीजें पैदा हुई। हम यहां बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान में, भारत के अंदर जब भी कोई बात होती है, कोई मुस्लिम खड़ा होता है और भारत की राजनीति की मुखालफत करता है, भारत के प्रधानमंत्री की मुखालफत करता है, भारत की पार्टियों की, सत्ताधारी पार्टी की मुखालफत करता है, उसको बागी करार दे दिया जाता है, उसे मुकदमे लगा दिए जाते हैं। तो मैं आज यहां इस मंच से खुला विरोध करता हूं भारत की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से, इस सत्ताधारी दलों की सोच से मैं विरोध करता हूं, मुखालफत करता हूं, मैं विरोधी हूं, आओ गिरफ्तार करो। यहां से कह रहा हूं मैं, ये देश देश वालों से चलेगा, आरएसएस की सोच से नहीं चलेगा, गुरु गुरुवार की सोच से नहीं चलेगा, सावरकर की सोच से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के काम के साथ चलेगा, वरना नहीं चल सकता। मैं मानता हूं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, मैं उनके नारों को मानता हूं, और ये कह खुले मन से कह रहा हूं, अगर इस देश में देश बचेगा,
देश की राजनीति बचेगी, देश का संविधान बचेगा, देश की जनता बचेगी, तो सिर्फ जय भीम के नारे के साथ बचेगी, कोई रास्ता नहीं दूसरा। यह हमें रक्षा, यह सम्मान हमें जय भीम के नारे ने दिया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। अगर वो नहीं होते तो आज देश का खत्म हो चुका होता। हमने हमसे खतरा है जिन्होंने 900 वर्ष हुकूमत करी, देश खत्म क्यों नहीं हुआ? ये धर्म की राजनीति करना खत्म क्यों नहीं हुए? 900 वर्ष हुकूमत करके आए हैं, क्यों नहीं हुआ? ये नहीं हो सकता था, इसलिए कि हम भाईचारा चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं, हमारा धर्म भाईचारे की दावत देता है। अरे जो धर्म अपने पड़ोसी को या किसी भी धर्म का हो उसको छोटा भाई मानकर उसकी सेवा करने का पैगाम देते हो, वो किसी को मारने की बात करेगा? हम कहां करेंगे इस बात को? इसलिए मैं आज आपके इस मंच से एक दावत देता हूं मुस्लिम अभी समाज का होने के नाते कि आप लोग सिर्फ एक बात कर लो, सिर्फ एक बात, एक सोच पैदा कर लो, इस देश से नफरत खत्म हो जाएगी, भेदभाव खत्म हो जाएगा और ये मनुवादी सोच के लोगों की दादागिरी खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक बात कर लीजिए, आप वोट बैंक बनना छोड़ दीजिए, वोट बैंक की राजनीति छोड़ दीजिए, सामाजिक बैंक की राजनीति शुरू कर दीजिए। एक समाज, बहुजन समाज, ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी सब उसके अंदर मौजूद हो, और पूरे देश का समाज हो, यूपी का नहीं, दिल्ली का नहीं, राजस्थान का नहीं, मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का बहुजन समाज बनकर आ जाइए, कोई आपके सामने नहीं आ पाएगा। और यही एक रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। शोक बनाते रहिए, चीरते रहिए, शिकायत करते रहिए इनके खिलाफ, कह दो इनसे आप तो आइए बीच में, इस जज्बे को आप बीच में लेकर आइए, अपने दिल को यहां लाके जोड़िए, फिर देखिए आपके मुकाबले में कोई टिक नहीं पाएगा। जज्बा दिल को अगर काम में लाया जाए, हम जहां चाहे वहां जलवा दिखाया जाए, जज्बा दिल को अगर काम में लाया जाए, हम जहां चाहे वहां जलवा दिखाया जाए। और मैं फना हो नहीं सकता हूं इस देश की कसम, मैं फना हो नहीं सकता इस देश की कसम, तुम मिटाओ जी तो तुमसे मिटाया जाए। इसलिए मेरे दोस्तों साथियों, वोट बैंक बनना छोड़ दो, गुलामी करना छोड़ दो, इन लोगों की सत्ता का लालच छोड़ दो, सत्ता की चार छोड़ दो, सत्ता का कब्जा तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें लड्डू दिया जाता है छोटे छोटे टिकटों के लालच में, छोटे छोटे पदों के लालच में बांटा जाता है और राजनीति अपनी की जाती है। आप इसको छोड़ दीजिए, राजनीति हमारी चलेगी, बहुजन समाज की चलेगी। और जो समाज के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, अपने पदों के लिए, सीट पे बैठने के लिए करना चाहते हैं, उनसे आपको बचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनको पहचानना पड़ेगा। जब उनको आप पहचान लेंगे तो आपका रास्ता आगे का आसान हो जाएगा। यही मुझे अर्ज करना था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नारा लगाते हैं ये कि हम आपस में भाई भाई, अरे तुमने कहां खो दी हमारी कमाई, तुम तो खुद बन के आ गया कसाई और हमको कह रहा भाई भाई है? कसाई कह रहा है ये भाई भाई है ताकि हमारी आसानी से कर सके कटाई है? कभी दलित की पिटाई, कभी मुस्लिम की पिटाई, अरे हम कैसे भाई भाई, हम आपस में है भाई भाई, तुम हमारे हो कसाई, इसलिए हमें तुमसे निमटना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।